हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, मेजर गॉड ऑफ आर्या थग लाइव। मेजर गॉड ऑफ आर्या को देखा हुआ ना? हाँ, एक बार देखा था, लेकिन इसने मतलब कि प्रॉपर वीडियो नहीं देखी थी। पाकिस्तानी मतलब कि मेजर गॉड ऑफ आर्या पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोलते हैं, तो प्रॉपर नहीं देखा था इसने। अब इसमें रिक्वेस्ट आ रही थी, ओली देखो इसमें प्रॉपर है, तो हमने कहा देखते हैं मेजर गॉड ऑफ आर्या पाकिस्तान की बजाते हैं कैसे बजाते हैं। और चलिए वीडियो देखते हैं, हाउ वी गो। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पहली बात तो यह, पाकिस्तान इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को बचाएं, और आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे हैं, जो नहीं जिनको आप समझते हैं मुसलमान, ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है आपकी, कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी, क्या भाषा है ये आपकी, कमर चीमा, ये क्या भाषा है आपकी, एक मिनट, एक मिनट, समझते हैं ये कमर चीमा, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं कमर चीमा, कमर चीमा सिर्फ क्या, कमर चीमा शांत कीजिए, आपको आमंत्रित किया हमने अपने बोला कीड़े मकोड़े अपने शो पर, रिपीट करना जरा एक बार, मुसलमानों को कब बचाने, कमर चीमा किसको, एक मिनट जरा एक मिनट, कमर चीमा करो, कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े, आके क्रोध, कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े, अपने प्रधानमंत्री से ऐसे बात करते हैं आप, मुसलमानों को, एक मिनट सुनिए, मुसलमानों के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार, इसलिए ये बात, तुम लोगों ने जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं उतने कहीं पे नहीं मारे, ठीक है, जितने तुम पंजाबियों ने सिंधी मारे हैं, मुहाजिर मारे हैं, पश्तून मारे हैं, वो कहीं नहीं मारे गए। तो ये मुसलमान की बात मत करो, और कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो, कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो, कीड़े मकोड़े किसको, हिंदुस्तानियों को कह रहे हो, घर में यही तमीज सिखाई गई थी, हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़े मकोड़ा कहते हैं, मर गया मां दल चोर ला ला ला। Hey, come look at this. अपनी बात सुन लो दोस्त, टीवी के अंदर मुंह मत डालो अपना यार, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान का मतलब क्या आपने बताया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, पाकिस्तान का क्या मतलब है, दुनिया कोई इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान का मतलब क्या है। मुझे तो पाकिस्तान से कॉल आते हैं, मुझे लगता है कोई बंदा पैसे ना मांग ले, मैं डर के मारे फोन, फेफड़ों में कहां से इतनी सांसें आती हैं यार, लगातार बोलते हो, आपने मेरी बात सुनो, काम किए अर्नब, अर्नब ये जो कह रहे हैं कि चुनाव के चलते, चुनाव के चलते इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे हमले करवाते हैं, सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, 6 अप्रैल 2010 को इसी इलाके में चिंतलनार में हुआ था हमला, छत्तीसगढ़ में चिंतलनार जो गांव है उसके बगल में, और 75 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, 75। तब कौन सा चुनाव था, कौन सा चुनाव था, तब कहां था अमित शाह 2010 में, सवाल, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, एक मिनट सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। अर्नब आपको पता है जब मैं वहां पर गया, ये तो उस एरिया में गए भी नहीं है, ये तो बैठ के बकवास, अर्नब मैं वहां पे 2 हफ्ते रहा हूँ, वहां पे इसी एरिया में 2 हफ्ते रहा हूँ अर्नब, और एक सीआरपीएफ के ऑफिसर ने मुझे बताया, वो सीआरपीएफ का ऑफिसर हाईली डेकोरेटेड, अर्नब उसकी छाती पे जितने मेडल थे, मैं उस सीआरपीएफ के ऑफिसर को सैल्यूट करता हूँ आज, उसने मुझे नम आंखों से यह बताया और कहा कि मेजर साहब इन सब से नक्सलियों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जो दिल्ली में सांप बैठे हैं उनसे हम कैसे लड़े, ये तो हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस फाइल करते हैं, ये ऐसे ही सुमित चोपड़ा जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं, ये सुमित चोपड़ा जैसे लोग यहाँ पे बैठ के ताली पीटते हैं जब हमारे भाई शहीद होते हैं अर्नब, ये लोग हैं जिम्मेदार असली, इनका चेहरा देख लीजिए, इस जहरीले सांप का चेहरा देख लीजिए दोस्तों, सुमित चोपड़ा नाम के जहरीले सांप का चेहरा देख, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना कि गुस्से में हनुमान जी वो जो बड़ी फेमस हुई थी, काफी लोगों ने लगाया था, कैब जॉब के पीछे अक्सर लगी रहती है, लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ियों में भी लगाया, एंग्री हनुमान की फोटो को तो आपने बोल दिया कि साहब ये दिस इज हिंदुत्व, ये तो गलत चीज है, एंग्री हनुमान हिंदुत्व है, लेकिन जब आप पोस्टर लेके ये बोले कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सेक्युलर है, तो अगर सेक्युलरिज्म सीखनी है तो भारतीय सेना से सीखिए, असली वहीं पर प्रैक्टिस होती है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरीज लग रहा है दिल गार्डन गार्डन पर, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा इसके ऊपर, कश्मीर, कोरोना वायरस, ट्रंप और मोदी की हम बात ना करें, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, क्या रियाज नायकू दहशतगर्द यानी कि आतंकवादी था कि नहीं, रियाज नायकू कौन था यार, हाँ या ना,
क्या साध्वी प्राज्ञा दहशतगर्द है कि नहीं है? रियाज नायकू आतंकवादी दहशतगर्द है कि नहीं है? देखिए सुनिए जिहाद टीवी के एडिटर सुनो मेरी बात, दहशतगर्द है कि नहीं? सुनो एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छोड़ा है, जो हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो, हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो और दिल में हिंदुओं के लिए नफरत लेके जिहाद फैलाते हो। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, रियाज नायकू आतंकवादी था कि नहीं था? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? रियाज नायकू आतंकवादी था? हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मुझे नहीं, पहले नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब तो तब मैं बोलूंगा। वो दहशतगर्द क्या है या कि नहीं है? नहीं सुनिए, कर्नल पुरोहित दहशतगर्द है या नहीं है मुझे बताइए। कर्नल पुरोहित तुम्हारा, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो। कैसे लगे आपको? क्या कहते हैं मेजर गॉड ऑफ आर्या जी? अच्छे लगे, सैविज लगे। और मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बोल रहे थे वो कैसा लगा आपको? कुछ कुछ सही था, कुछ कुछ गलत। ओके, इसकी राय और भी वीडियो दिखाएंगे इसको, फिर पता करते हैं इसकी क्या राय होती है। तो आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे मुझे गॉड ऑफ आर्या, लाजमी बताना। और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो क्या करना है आपने? कमेंट सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल।